हम लोग अब अजरबैजान 5 दिन घूमने के बाद एयरपोर्ट आ गए हैं टर्मिनल 2 बाकू के। इन 5 दिनों में हमने 2 दिन तो लोकल सिटी घूमा बाकू, और 2 दिन हमने एक्सकर्शन टूर लिया, डे ट्रिप। जो पहला टूर लिया था एक्सकर्शन, वो था गोबुस्तान, मड वोल्केनो, फायर टेंपल और यानार डाग। जो मड वोल्केनो है उसमें कंटिन्यूअस कई जगह स्पॉट ऐसे बने हुए हैं जहाँ से गर्म मड निकलता रहता है। एक चीज़ और देखने को मिली कि वहाँ भारी मात्रा में इंडियन टूरिस्ट मौजूद था, और पुराने ज़माने में तेल जो है मिट्टी से निकाला जाता था इसी जगह से। दूसरा स्पॉट गए हम लोग गोबुस्तान। गोबुस्तान के जो स्टोन्स हैं वो अपने आप में यूनिक हैं, 1,000, 2,000, 3,000 साल पुराने भित्र चित्र वहाँ पत्थरों पर रेखांकित हैं, वो जानवरों के रूप में या किसी अन्य रूप में। यह था कि उस समय इनकी प्रेजेंस थी यहाँ पर। गोबुस्तान पिक्चरेस्क्यू भी बहुत है, अब देखिए इतना अच्छा लगेगा कि मज़ा आ जाएगा। उसके बाद उसी दिन हम लोगों ने यानार डाग गए। यानार डाग है तो बहुत छोटी जगह, लेकिन अद्भुत है क्योंकि वहाँ एक पहाड़ी नुमा जगह पे नीचे लगातार आग जलती रहती है। लगातार आग जलने से वहाँ थोड़ा गर्म भी रहता है। और दूसरा जो है, गाइड ने बताया कि आप ये सोचिए कि 4,000 वर्ष पहले जब ये घटना घटी होगी तो लोगों के दिमाग में यही आया होगा कि ये कोई ना कोई मिरेकल है। अब जो मिथ है वहाँ कि इसका पता कैसे चला, तो बहुत लेटेस्ट है। 1950 में सैफर्ड जो है वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने इसको देखा तो गवर्नमेंट को सूचित किया, फिर इसको प्रोटेक्ट किया गया और इसको टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया। चौथी जगह हम लोग गए फायर टेंपल। वो किले नुमा एक जगह है जो बेसिकली 18वीं शताब्दी में बाकू के हिंदुओं द्वारा बनाया गया था। वहाँ 3 धर्मों के लिए, जुरेशियन, हिंदू और सिख का वो पवित्र स्थल है। बहुत ही खूबसूरत है। एक कोठरी में एक आदमी बैक साइड में उसको दिखाया गया है और वो श्री गणेशाय नमः का जाप करता रहता है। उस आग के अलावा बेदी पर, जो मुख्य बेदी है, उस पर दीपक लगातार जलता रहता है और उसे इन्होंने रहस्यमयी करार दिया है। मुझे तो नहीं लगा, लेकिन वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी है। दूसरा डे ट्रिप जो हमने किया वो था सामखी और गवाला का। वो बड़ा हेक्टिक टूर है, 14 घंटे का टूर, थकान भरा, क्योंकि वो बाकू से लगभग 219 किलोमीटर दूर है। मिडवे पे सामखी है, वहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई, जुमा मस्जिद, जो किसी ज़माने में यहाँ के जो राजा थे सिंगास संत, उनका हेडक्वार्टर हुआ करता था। हेडक्वार्टर कहें, राजधानी कहें, जो भी कहें, बाद में वो शिफ्ट हो गया बाकू।
काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है, देखने में अच्छा लगता है। वहाँ गाड़ी ने हमें 20 मिनट के लिए रोका, चाय पिलाई और जुमा मस्जिद दिखाया पूरा अंदर तक। वहाँ से हम लोग गए सीधे, समय काफ़ी हो चुका था, 2 बज गया था पहुँचते पहुँचते। तो गवाला से करीब 10 किलोमीटर पहले उसने जो है नूर लेक पर हम लोगों को रोका। बहुत खूबसूरत झील है और वहाँ झील के किनारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। तो उस रेस्टोरेंट्स में हम लोगों ने लंच लिया, काफ़ी महंगा है। मैं टूरिस्ट को ये बताना चाहूँगा कि अपना लंच पैक करके स्वयं ले आएँ, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली है, तिगुना रेट है हर चीज़ का। लंच के बाद फिर हम लोग गए सेबिन व्यू वाटरफॉल, सेबिन स्टेजेज व्यू, मतलब नीचे जो वाटरफॉल दिखाई देता है, दूसरे स्टेज पे जाएंगे तो अलग वाटरफॉल दिखाई देगा, तीसरे पे जाएंगे तो उससे अलग दिखाई देगा, लेकिन जो स्टेयर्स बने हुए हैं वो तीसरे तक ही हैं। अगर उससे ऊपर जाना है तो हमारे ख्याल से इंडियंस तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हाइक करना पड़ेगा बहुत। तो हाइक करके आपको अगर देखना है तो ऊपर जाना पड़ेगा। अब उसके बाद जो हम लोग पहुँचे, दैट वॉज मिरेकुलस। केबल कार से माउंटेन्स के हम लोग गए और उसका व्यू लिया ऊपर से, पूरा सीनिक व्यू, बहुत ही खूबसूरत व्यू। 19 मिनट का एक आदमी का टिकट है जो लगभग 950 रुपया इंडियन बैठा। उसको देखने के बाद सारी थकान मिट गई। फिर वापसी में हमको 4 घंटे लगे, लेट नाइट 10 बजे हम पहुँचे बाकू। अजरबैजान आजकल कजाकिस्तान की ही तरह या दुबई थाईलैंड की तरह इंडियन टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ा हब बन गया है। कारण बड़ा सीधा है कि अगर आप 4400 रुपये पेमेंट करते हैं तो आपको 3 घंटे में वीज़ा मिल जाएगा, ई वीज़ा ऑनलाइन, और आपको 3 दिन में चाहिए तो 2200 रुपये देना है। ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे तो कुछ भी नहीं करना है, आपको खाली पासपोर्ट का फोटो कॉपी अपलोड कर देना है और उसके बाद आपका वीज़ा आ जाएगा। तो आपके पास पासपोर्ट हो और अगर सेम डे भी जाना हो तो आप 3 घंटे में वीज़ा लेकर के यहाँ आ सकते हैं। इंडिगो की फ़्लाइट है जो डायरेक्ट चलती है, 4 घंटे की फ़्लाइट है, 4 घंटे 40 मिनट रात को चलती है, लेट पहुँचती है यहाँ 12:15 बजे रात यहाँ के लोकल टाइम से, लेकिन ठीक है 1:30 या 2 बजे तक आप होटल पहुँच जाते हैं, रेस्ट लेकर के अगले दिन से आप घूम सकते हैं। 40,000 के आसपास का रिटर्न टिकट है। अब जब हम लोग यहाँ आए नेक्स्ट मॉर्निंग, सबसे पहले निकले घूमने के लिए सिटी टूर के लिए, तो बाकू का ओल्ड सिटी बिल्कुल लाजवाब है। तमाम यूरोप के, मैं तो लगभग ऑलमोस्ट 40 से 45 यूरोपियन कंट्रीज घूम चुका हूँ, लेकिन इतना खूबसूरत ओल्ड टाउन नहीं देखा हमने। वेल मेंटेन, क्लीन, कहीं से गंदगी नहीं। ओल्ड टाउन में आपको 3 चीज़ें बेसिकली देखने को मिलेगी, एक सिरवन शाह का पैलेस, दूसरा मिनिएचर बुक, छोटी छोटी इतनी छोटी छोटी भगवान की किताबें 22x22 पेज जो माइक्रोस्कोप से ही पढ़ सकते हैं आप, वो म्यूजियम कहें या लाइब्रेरी कहें, तीसरा जुमा मास्क है वो आप देखिए ओल्ड सिटी में। उसके बाद नीचे जब आप उतरेंगे तो एक ही स्पॉट पे 3 जगह हैं, कारपेट म्यूजियम, वेनिस सिटी उन्होंने थोड़ा सा नकल करके बना दिया है, नदी नाले यूँ वो देखिए, और बगल में डेनिज मॉल है। ये देखने के बाद आप वहीं से कारपेट म्यूजियम के ठीक सामने आपको फनी कूलर मिलेगा, जिससे कि आप ऊपर हाईलैंड पार्क पहुंच जाएंगे।
अब वो जहाँ ख़त्म होती है वहीं पे आपको जो फिल्म टावर है वो दिखाई देगा, और हाईलैंड पार्क में आप अंदर जाएंगे तो 1980 के आसपास जो वार हुआ था उसमें लगभग 180 लोग शहीद हुए थे, उनकी ग्रेवयार्ड्स हैं सिंबॉलिक। और उसके बाद वहाँ से एक प्लेटफॉर्म है जो बड़ा ही खूबसूरत कैस्पियन सी का व्यू दिखाई देता है, वहीं ठीक नीचे आपको बाकू आई दिखाई देगा, डेनिज माल दिखाई देगा, और काफ़ी दूर पे आपको क्रिसेंट होटल दिखाई देगा जो बिल्कुल अर्धचंद्राकार के आकार का है, और खूबसूरत कैस्पियन सी का व्यू। तो ये देखने के बाद आप आइए और निजामी स्ट्रीट पे इंजॉय कीजिए शाम को। एक दिन और जो आपको लोकल घूमना है उसमें आप दूर दूर की जगहें देख सकते हैं। हैदर अलीब कल्चरल म्यूजियम है, बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम, क्या आर्किटेक्चर है बाहर से देख के, जैसे अपने यहाँ लोटस टेम्पल बना है दिल्ली में उससे भी खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। आप 2 घंटे के आसपास उसको देखने के लिए आपको चाहिए। तीसरी बात एक चीज़ और बताना जरूरी है, यहाँ टैक्सी बहुत सस्ती है, मिनिमम किराया 160 है, और हम जितनी बार भी टैक्सी किए मैक्सिमम हमने 5 मन्नत मतलब 250-260 रुपये पेमेंट किया सिटी के अंदर। तो टैक्सी अगर आप 2 या 3 लोग हैं तो आराम से टैक्सी से घूमिए, बहुत सस्ती है टैक्सी लोकल घूमने के लिए। और रात में या हो दिन हो निजामी स्ट्रीट की क्या करें, ऐसा स्ट्रीट जो हमने तो नहीं देखा अभी तक, इतना अट्रैक्टिव, चहल पहल, नीट एंड क्लीन, लाइटनिंग येलो कलर की, अब देखेंगे तो बिल्कुल लगेगा चकाचौंध हो जाएंगे। खड़े हो के देखिए, टहलते हुए देखिए, हर जगह म्यूजिक का शोर, खूबसूरत लोग, और यंग की भीड़ ज़्यादा थी, वैसे इंडियंस भी बहुत ज़्यादा थे इंडियंस की संख्या बहुत ज़्यादा थी, उसको हम लोगों ने देखा। और डिनर आप निजामी स्ट्रीट पे ही लीजिए, आप किसी क्लब में जाना चाहते हैं यंग हैं आप इंजॉय कीजिए, क्लब में नहीं जाना चाहते हैं इंडियन फूड चाहिए तो कई इंडियन रेस्टोरेंट हैं निजामी स्ट्रीट पर, आप वहाँ इंजॉय कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आता है कि खर्च कितना आएगा। तो अगर केवल आप अजरबैजान आते हैं तो आपका खर्चा 40,000 का टिकट मान लीजिए, अगर थोड़ा पहले करा लेंगे तो 35,000 का मिल जाए, 5,000 के रेंज में आपको निजामी स्ट्रीट पे अच्छे ब्यूटी होटल मिल जाएंगे। मेरा तो यही मानना है कि आप ब्यूटी होटल में ही रुकें, ब्रांडेड होटलों में न जाएं, बड़े बड़े जो होटल्स हैं ये ग्रुप वो ग्रुप वो दूर होते हैं एक तो शहर से, और वहाँ आने मेन सिटी में आने के लिए आपको हर बार टैक्सी करना है या मतलब मन बनाना पड़ेगा। तो होटल मान लीजिए अगर आप 2 लोग हैं तो 5 रात का 25,000 होटल का हो गया, और 2 आदमियों का टिकट हो गया समझ लीजिए 70,000, तो 95,000 ये हो गया। और 3 टूर जो हम लोगों ने लिया वो टोटल 12,000 पर पर्सन था, 25,000 उसको मान लीजिए तो 1,20,000 हो गया। और मिसलेनियस सारा खर्चा हम लोगों का 5 दिन है, खाना छोटे मोटे पानी खरीद रहे हैं वो खरीदे 15,000 और खर्च हुआ, क्योंकि लंच या डिनर यहाँ 2 आदमियों का 1,500 से 2,000 के बीच में लगता है, केवल लोकल खाएं या इंडियन खाएं। तो सब मिला करके आप ये मान लीजिए कि 1,30,000 मैक्सिमम 1,40,000, तो 70,000 पर पर्सन के खर्च पे आप अजरबैजान घूम के जा सकते हैं। लेकिन आप एक कंट्री और ऐड ऑन करना चाहते हैं, जॉर्जिया, वो अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा मैं, तो खर्चा कितना कम हो जाएगा। लीजिए बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, और अगले एपिसोड
जॉर्जिया के बारे में हम बताएंगे, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।